वृंदावन की पावन धरती पर आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। पावन पुनीत पूज्य महाराज जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिनके सानिध्य में मैंने ना जाने कितने अवसरों पर देखा है कि पूज्य महाराज जी सेवा के क्षेत्र में हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे संत सेवा हो, जरूरतमंदों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, और भारत के तमाम और क्षेत्रों में महायज्ञ के माध्यम से धर्म की अलग भी जगाने का काम करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जब वृंदावन की यात्रा में आए तो पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला, और हर समय पूज्य महाराज जी हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। लेकिन आज जन्मोत्सव है तो खुशी और उत्साह और उमंग और उल्लास हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने हमेशा हमें मार्गदर्शन दिया है और आशीर्वाद दिया है। तो आइए पावन पुनीत प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मोरकुटी पीठाधीश्वर पूज्य प्रातः स्मरणीय परमेश्वर दास महाराज जी का दर्शन करते हैं, और साथ में आज बातचीत करेंगे, क्योंकि जन्मोत्सव है तो बहुत सारे विषय पर बातचीत पूज्य महाराज जी से होगी। आज देखिए कि चारों तरफ संत समाज आया हुआ है, देश भर के कोने कोने से बहुत सारे भक्तगण आए हैं। कोई मुंबई से आया है तो कोई मध्य प्रदेश से, कोई इंदौर से आया है, कर्नाटक से, अलग अलग क्षेत्रों से पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए भक्तगण, श्रद्धालुगण, संतगण आए हुए हैं। इस पावन अवसर पर पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद बहुत प्रासंगिक हो जाता है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। भगवान सुखी राखे जो होंगे। आज तो महाराज जी जन्मोत्सव का आनंद ही आनंद है, और मैं देख रहा हूँ कि आपकी भाव भूमिका लालिमा सब जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर निराली लग रही है। तो आज जो है ये खास हम लोगों के लिए जन्मदिन हो जाता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद बहुत प्रासंगिक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मोरकुटी हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। श्याम सीताराम श्री रामानुज दया पात्रम ज्ञान वैराग्य भूषणम श्रीमद वेंकट नाथार्यम वंदे वेदांत देशिकम। देखिए जन्मदिन तो आते और जाते रहते हैं, हालांकि खुशी की बात है कि जन्मदिन के बहाने हमारे आज मोरकुटी आश्रम पे करीबन 1500 संतों का, माताओं का और जनता का भंडारा है। इनके लाने ठाकुर जी की कृपा से भक्तों ने 400-500 लोई मंगवा दी, ऊनी लोई, और 200-300-400 कम्बल आ गए। बढ़िया, माताओं को कम्बल देंगे, संतों को लोई देंगे, यानी जन्मदिन तो आते जाते रहेंगे। 53वां जन्मदिन है और हमको 108 साल जीना है आगे ठाकुर जी जाने। मानो हमारी इच्छा है हम 108 साल, क्योंकि हमारे देवरा परिवार में जल्दी कोई मरता ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, हमारे परिवार में जल्दी कोई मरता ही नहीं है, इसलिए हम भी नहीं मरेंगे, क्योंकि हम भी तो उसी वंश के, उसी परिवार के हैं। तो जन्मदिन तो आता जाता रहेगा। मानो इस 53वें जन्मदिन पे हमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता है। किस बात की प्रसन्नता है? कि हमारे राम जी का अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। ये मंदिर का जो फैसला आया था, इससे तीन महीना पहले हम 5-7 संतों को लेके होली मैंने वहीं की करी थी। सुग्रीव किला अयोध्या में हमारा सुग्रीव किला है, हमारे काका गुरु जगत गुरु विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज रहते हैं, तो उनके गुरु जी जगत गुरु पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज जो मेरे दादा गुरु थे, उनने शरीर पूरा कर दिया था। तो गुरु यानी होली के करीब भंडारा था, विशाल भंडारा था जी। उसमें हम गए थे और ठीक होली के दिन में रामलला के दर्शन करने गया तो ठाकुर जी हमारे टाट में थे, काय में थे, टेंट हुआ, त्रिपाल हुआ, ये सब टाट है एक तरह से बोला जाएगा। तो ठाकुर जी टाट में थे और मोरकुटी ठाट में थी जी, मोरकुटी काय में थी, मोरकुटी ठाट में थी, ठाकुर जी टाट में थे। तो जब ठाकुर जी के हमने दर्शन करे तो हमारे नेत्रों में से आंसू गिरने लगे। हमने कही ठाकुर जी हमको नरक मिले या स्वर्ग मिले, जब तक आप यानी ठाट में नहीं हो गए, ये टाट में मैं आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा। हमारे नेत्रों में आंसू आ गए। 5-4 साधु मेरे संगे थे और पुजारी बहुत बढ़िया था, वहां जो पुजारी जी थे बेचारे वो आए। अच्छा
एक पैसा तो हमारे पास था नहीं, क्योंकि रखवा लेते कुछ सामान नहीं था, मोबाइल वगैरह कुछ, झोली वगैरह, या तो अब झोली है, देखिए कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो पैसा दे दो, जो जैसा है बैंसो दे दो, और जो रखे पैसा कोई दिक्कत नहीं, और भी रखे झोली में। तो हमने ठाकुर जी को प्रणाम किया, हमारे गदगद हृदय से हमने हनुमान राम जी से हमारे प्रार्थना करी है, ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि आज आपकी आशीर्वाद से कृपा से मोरकुटी ठाट में हमारे सब देश के नर नारी ठाट में, और आप ठाट में हो तो आप भी ठाट में हो जाओ। और 3 महीना के बाद निर्णय आया, हम केस को जीत गए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हुआ, और आज वो राम मंदिर बनके तैयार हो गया। और इसलिए हमें आज विशेष प्रसन्नता है कि रामायण जी में त्रेता युग का आता है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वन वासी। भगवान 14 वर्ष नहीं, भगवान हमारे 500 वर्ष कलयुग है, तो 14 वर्ष का यानी ब्याज नहीं लगेगा। और सतयुग के दिन अलग थे, त्रेता के अलग थे, आयु भी अलग अलग होती है। तो एक कलिकाल है, कलिकाल में हमारे ठाकुर जी 500 साल में, कितने साल में, 490 साल में अयोध्या जी आए हैं। जब दुष्टों ने, आताताइयों ने, अधर्मी ने भगवान का मंदिर तोड़ दिया था, भगवान वहां से यानी वन में चले गए थे, संत ब्राह्मणों को आशीर्वाद देने चले गए थे, संतों पर कृपा करने चले गए थे, अब भगवान 22 जनवरी को अयोध्या जी आ रहे हैं। इसलिए आज हमें जन्मदिन की विशेष खुशी है, प्रसन्नता है जी। महाराज जी बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो है आने के लिए लालायित है, कह रहे हैं हमें निमंत्रण पत्र नहीं दिया जा रहा है, और वो जो है राजनीतिक लोग हैं जो वो आने के लिए लालायित हैं अयोध्या जी में जी। ए जो जिन जो निमंत्रण की बात कर रहे हैं वो लोग नहीं है, वो राक्षस हैं, राक्षस। इन दुष्टों ने हमारे जो कार सेवक थे, हमारे जो संत थे, जो भगवान के यानी मंदिर बनाने के लाने, भगवान की सेवा के लाने जा रहे थे, उन पे वो कार सेवकों पे इन दुष्टों ने गोली चलवा दिया, और उनको वो मरे नहीं है, वो आज भी अमर हैं, वो शहीद हुए, वो मरे हैं नहीं है। मरता तो वो है जिसका नाम डूब जाता है, इसलिए वो कोई मरे नहीं है, वो सब अमर हो गए। और आज भी हमें इस बात का बड़ा दुख है, आज अगर राम मंदिर के 22 जनवरी के पांच प्रतिष्ठा में वो हमारे हजारों हजारों कार सेवक होते, संत होते, भगत होते, तो हमें कितनी प्रसन्नता होती। इसलिए इन दुष्टों को ना ही तो निमंत्रण मिला, ना ही इनको देना चाहिए, इनको बिल्कुल निमंत्रण नहीं देना चाहिए। क्यों? जो हमारे राम जी को काल्पनिक कहते हैं, क्या काल्पनिक कहते हैं, जैसे सापा है, कांग्रेस है, वो टोपी वाला, केजरीवाल है, तमाम तमाम काल्पनिक कहते हैं। भगवान को जो साक्षात भगवान ब्रह्म है, रामायण जी का नाम रखा है रामचरितमानस, भगवान ब्रह्म थे, मनो मनुष्य रूप में आए, और उस इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी का नाम रखा रामचरितमानस। राम जी ने मनुष्य ऐसा चरित किया, जबकि वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है, ब्रह्म है। रामायण जी में आता है हम तो माँ के उदर से जन्म होता है, और भगवान प्रगट होते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। इसलिए दुष्ट बार बार कह रहे नहीं कि निमंत्रण ना आएगा तो हम अयोध्या जाएंगे, अरे इन दुष्टों को निमंत्रण, मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी इन दुष्टों को निमंत्रण आप ऐसी बुद्धि करना, आरएसएस वाले इनको और हमारे संत समाज को और मोदी जी और योगी जी को, कि दुष्ट जो काल्पनिक कहते थे इनको कभी जीवन में सारे जे ऐसे ही मर जाए, जैसे पे कुछ इनके मर गए और कुछ और मर जाएंगे, इनको राम मंदिर का निमंत्रण मिलना ही नहीं चाहिए। मैं आत्मा से इनको आशीर्वाद, इनको दुआ और शराब दे रहा हूं, जो हमारे भगवान को काल्पनिक बोलते हैं, हमारे कार सेवकों पे गोली चलवाते हैं, हजारों हजारों कार सेवकों को इन दुष्टों ने मार डाला, इनको भगवान कभी हनुमान जी ऐसी कृपा करें कि इनको जीवन में राम जी के दर्शन ना होए। हमारे योगी जी देखिए, भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं, जो यानी 5-6 साल में करीबन 50-60 बार अयोध्या जी जा चुके। हमारे भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी या चौथी बार अयोध्या जी जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने। हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो वृंदावन में 26 बार आ चुके 5 साल में, योगी जी। तो इनको यानी दर्शन करने का, इनको भगवान बुद्धि दे, इन पे कृपा करे, और जो आताताई तो ऐसे ही मर जाएं, इनको कभी अयोध्या राम जी बुलाए ना, सरजू में कभी इनका स्नान हो ही ना। अब ये कह रहे हैं महाराज जी कि हमारे भी राम है और हम भी जो है हमारा भी अधिकार होता है। अच्छा, और एक समय जो है इन्होंने काल्पनिक बताया था। देखिए, ना ही तो इनके राम है जी, ये तो ऐसे हैं जैसे
कोई नाटक नौटंकी होता है मंच पे जी, स्वांग होता है तो थोड़ी देर के लाने मनुष्य कछु भालू, कोई भालू बन जाएगा, कोई जोखर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कुछ कुछ ऐसे जे वोट लेने के लेने ये नाटक कर रहे हैं। ये सब यानी हिंदू है ही नहीं है। हिंदू वो होगा जो हिंदू धर्म का काम करेगा, उसको हिंदू कहा जाएगा। आज उन्हें डर लग रहा है और आज भी इनको इनको भगवान से डर नहीं लग रहा, इन्हें वोटों से डर लग रहा है कि हमको वोट नहीं मिलेंगे और हम हार जाएंगे। हारना तो इनका निश्चित है। अभी देखिए बड़े बड़े तीन प्रदेशों में यानी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, और तीनों जगह 0-0, 0-0। ना कभी जीते ना अब जीतेंगे। ये 7 पीढ़ी तक अब नरकगामी होंगे और ये कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। हम मोरकुटी हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान ये सदैव इसी प्रकार हारते जाए। राजनीति को तो बात हो रही, मुझे लगता है अध्यात्म की तरफ चलते हैं महाराज जी। मुझे लगता है ऐसा कि जो राम को नकार देता है उसे समाज, राष्ट्र सब कोई नकार देता है। देखिए ये समाज कब नकारती है, हम आप सबको यानी भगवान बुद्धि देने वाले है। क्या है ठाकुर जी? बुद्धि देने वाले, अच्छी बुरी बुद्धि जो है वो भगवान देते हैं। यानी वो जब भगवान ने इस प्रकार बुद्धि हम आपको दिया इसलिए इनको नकार दिया। और अब अभी तो थोड़ा और देखना है ऐसा नकार देंगे। अब देखिए रामचरितमानस में एक दृष्टांत आता है कि लागे भूप सहस्त्र एक बारा, जानकी जी के स्वयंवर में रंग भूमि जब से पगधारी, देख रूप मोहे नर। रंगभूमि में भगवान मेरे राम लक्ष्मण जी विराजमान है तो वहां 1000 राजा एक ही साथ धनुष को उठाने में लग गए, आता है नहीं बालकांड में। इसके बाद भी वो हिला भी नहीं, उठना तो दूर की बात रही, हिला भी नहीं है। ऐसे जो सारी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी को, जो वास्तव में संतों की, हिंदुओं की, और हिंदू नहीं सभी की एक बात, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबकी सरकार है, सबको लेके चलती है। आज राम मंदिर के लिए पूरे देश नहीं दुनिया में भी तैयारियां चल रही हैं और अमेरिका में तो अभी से कार्यक्रम। देखिए अमेरिका में हमने सुना है, पेपर में भी देखा, 1 महीना से राम मंदिर के लिए नहीं धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। तैयारी नहीं, उत्सव मनाना ही प्रारंभ हो गया अयोध्या में। हमारे पूरे देश के हिंदू हिंदू और जो देश में यानी भगवान को मानने वाले, राम को मानने वाले सब वो हृदय से, जो जा भी नहीं पा रहे तो वो आत्मा से हृदय से वहां जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं कि जो देखिए भगवान का है, जो राम का है वो देश का है, उसी को भगवान बढ़ाएंगे। जो राम का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा, वो ना किसी काम का है ना देश का है। जब वो काम का ही नहीं है तो देश का क्या हो जाएगा, इसलिए इनको नकार दिया सबने जी। जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और चारों तरफ खुशियां हैं, एक आशा की उम्मीद है, तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म जो है दुनिया का सबसे प्रमुख धर्म होगा और दुनिया को दिशा और उसकी दशा तय तक करने का काम करेगा। देखिए आज नहीं, ये राम धर्म अनादि काल से है, इसलिए हमें जय बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं है जिसमें विश्व की जय बोली जाए, ये हमारा सनातन धर्म है जिसमें जय बोली जाते है। और ये तो कुछ दिन के बाद संसार का विश्व गुरु बनेगा तो भारत बनेगा। तो पूज्य महाराज जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तमाम बातें हुई, लेकिन जैसे अंतिम शब्द महाराज जी के हुए, क्योंकि महाराज जी को मैंने कई बार देखा है, जो शब्द कहते हैं वो एकदम सटीक होता है। यहीं पर बैठे हुए 6 महीने पहले पूज्य महाराज जी हमसे चर्चा कर रहे थे कि राजमहल मैं योगी जी को आमने सामने बातचीत करते हुए देखना चाहता हूँ, और 2 महीने बाद ही मुझे याद है कि मोरकुटी में स्वयं जो है मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ पर आए और महाराज जी से एकदम साक्षात वार्ता हुई। तो महाराज जी का वो शब्द जो है, जो मन में अंतर मन में बोल देते हैं, कह देते हैं, वो सही साबित होता, सत्य साबित होता, और आज अंतिम शब्द बोले कि विश्व का सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म होगा जो सभी की सुख और शांति की कामना करेगा, सभी की सुख और समृद्धि की कामना करेगा। जन्मोत्सव पर महाराज जी ने जो अपनी वाणी शब्द बोले हैं, मुझे लगता है हम सबके लिए प्रासंगिक हो जाता है, और महाराज जी के साथ मैं भी न्योता दूंगा कि आप सबको भी अवसर लगे तो 22 जनवरी के बाद आप सब भी राजा राम भगवान जी के दर्शन करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, बोलिए गौ माता की जय, बोलिए मोर की धाम की जय, सब संतन की जय, हर हर महादेव, हर हर।
महादेव। पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव पर अब प्रसाद की तैयारी चल रही है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद तैयार किया जा रहा है कढ़ाई में बड़े बड़े, क्योंकि पूरे जो है बड़ी संख्या में संत महाराज जी, भक्तगण और देश के अलग अलग स्थानों से भी बहुत सारे भक्तगण आ रहे हैं, तो इसलिए रात से ही तैयारियां शुरू हो गई थी और भक्तों की प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी बन रही, इधर पूड़ी की तैयारी चल रही है, पूड़ी प्रसाद की तैयारी चल रही है, अन्य जगहों पर अलग अलग तैयारियां हो रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ भक्तगण, संतगण सभी लगे हुए हैं तैयारी में, प्रसाद की व्यवस्था में। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है और हर कोई सेवा में जुटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सलाद की तैयारी चल रही है, तो जो भक्तगण संतगण हैं सभी सेवा में जुटे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देकर आशीर्वाद प्राप्त कर सके। यहाँ देख सकते हैं संत महाराज जी लोग रोटी की सेवा में लगे हुए हैं, रोटी का प्रसाद तैयार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभी सेवा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि रोटी के प्रसाद जो है और प्रसाद की तैयारी हो पाए। तो सभी लोग आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कोशिश कर रहे हैं कि सेवा दें, प्रसाद की सेवा दें और संत सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। तो यहाँ रोटी प्रसाद की सेवा की तैयारी चल रही है, सभी लोग यानी जो पूड़ी प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो पूड़ी प्रसाद कर सकते हैं, जो रोटी प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो रोटी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यानी मोर कुटी में इस समय पूरे जगह पर, हर जगह पर उत्सव का माहौल है, आनंद का माहौल है, हर कोई खुशियां मना रहा है पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव पर। मोर कुटी गौशाला के महंत हरिओम बाबा, पायलट बाबा यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तैयारियां जो जन्मोत्सव की चल रही हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। आप भी जी बोलिए। गुरुदेव भगवान की जय। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान का आज जन्मदिन है। जन्मदिन क्या, संत भगवान तो प्रकट होते हैं, ये समझ लो कि संतों की बड़ी कृपा होती है। तो जन्मदिन पे केक वेक तो हम लोग कोई काटते नहीं हैं, ये संत सेवा ब्राह्मण सेवा चलती रहती है। देखिए सब संत भगवान लगे हुए हैं, दूर देश से हमारे भगत जगत भी आए हुए हैं, संत भी आए हुए हैं, और सब संतों की सेवा के लिए चल रहा है। संत ब्राह्मण माता बहनें सब आएंगी, सबके लिए प्रसाद होगा, व्यवस्था है यहाँ पे, और ये सब व्यवस्था संतों की सेवा और भक्तों की सेवा के लिए चल रही है। और मध्य प्रदेश, गुजरात, देश के कोने कोने से साधु संत आए हुए हैं, और हमारे पूज्य महाराज जी से जो जैसा है आशीर्वाद लेने वाला है तो आशीर्वाद लिया, और जो आशीर्वाद देने वाला है तो आशीर्वाद दिया। तो आज हम लोग बड़े खुश हैं तो जो आज हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान का जन्मदिन सब संत भक्त मिलके मना रहे हैं, ये बड़े उत्सव की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है। जो श्री वृंदावन धाम में ये भंडारा चल रहा है महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, विशाल भंडारा रखा गया है, इसमें ब्रजवासी संत ब्राह्मण सब आएंगे।